सड़क के बीच में पटरियां और उन पर बैठे ख्वाब बस सरकते हैं धीरे धीरे और फिर एक दिन पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अगर कोलकाता की पहचान विक्टोरिया टर्मिनल है, कोलकाता की पहचान अगर हावड़ा ब्रिज है, उसकी येलो टैक्सीज हैं, तो कोलकाता की पहचान उसका ट्रैम नेटवर्क भी है। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का इकलौता शहर है जहां पर ट्रैम नेटवर्क है? ये 100 साल से भी पुराना नेटवर्क है जो आज भी चलता है। मैंने ये तय किया था कि जब कोलकाता जाऊंगा तो ट्रैम में जाकर जरूर सवारी लूंगा। सब सवारियां कर ली, बस ये बची थी। चलिए एंजॉय करते हैं ट्रैम की इस सवारी को। मजेदार बात शायद इस ट्रैम की ये है कि आप कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं, ये इतना स्लो चलता है। थैंक यू। मैं कई बड़े बड़े शहरों में गया हूं, मगर कोलकाता की जो बात है वो सबसे अलग है। यहाँ का कैरेक्टर, यहाँ का कल्चर सबसे अलग है। ब्रिटिश राज में अपनी राजधानी रहने के कारण यहाँ खूबसूरत ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बिल्डिंग तो है ही, पर साथ ही वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ वो कल्चर है जो आपको अपनी तरफ खींचेगा। किसी ने सच ही कहा है, कोलकाता इज द हार्ट ऑफ इंडिया, अ सिटी ऑफ जॉय।